हाय गाइस हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग मिनट चेक कर लूं कि आपको वॉइस आ रही है एब्सोल्युटली परफेक्ट वेरी वेलकम टू एवरीवन बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का माय नेम इज अमन श्रीवास्तव एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईयरली करंट अफेयर्स यार पहले तो सब आ जाओ यार सारे आ जाइए बढ़िया सा श्री गणेश करने जा रहे हैं हम लोग और ये एक जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि साहब ये वाले करंट अफेयर्स कैसे करेंगे आज से उस प्रॉब्लम का आपका समाधान एकदम टॉप नॉच लेवल पर तैयार एकदम बढ़िया तरीके से खूब बढ़िया बढ़िया से आप करिएगा और विश्वास मानिए ये ईयरली करंट अफेयर जितना बड़ा आपके लिए बर्डन था ना ये उतना ही सुगम सरल और सुंदर बन जाएगा क्योंकि हम वैसे नहीं करेंगे एमसीक्यू वाइज नहीं करेंगे कि ये वाले इसका आंसर बताओ उसका आंसर बताओ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपको पता ही होता कि आंसर क्या है तो फिर आप करते ही क्यों सिंपल सी बात है और दूसरा क्या है कि फैक्ट्स रटने से कोई फायदा नहीं है कि बहुत सारे वन लाइनर्स के फॉर्मेट में करा दिया तो हम लोग प्रॉपर न्यूज डिस्कशन करेंगे और न्यूज डिस्कशन में आपको सारी न्यूज आपको क्लास में ही याद भी हो जाएगी बस एक चीज है इफ यू दुनिया ने ईश्वर ने, ने सारे लोग पूरी कायनात आपको कोशिश करके यहां तक लेके आई गई है तो फिर अगर क्लिक कर ही दिया है तो मेक श्योर दैट यू स्टे पुट एट द वीडियो मजा आएगा बोर नहीं होंगे और याद भी क्लास में ही हो जाएगा ठीक है जी परफेक्ट परफेक्ट बहुत बढ़िया यार तो बेहतरीन सी चीज़ और अरे आप क्यों हैं भाई अभी आपका ज़रूरत नहीं है रुकिए या, या अच्छा इंपॉर्टेंट बात अभी बता दूं एक सेकेंड अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसके अलावा और भी बता दूं ये क्या हुआ इसके अलावा कोई स्लाइड ही नहीं है मेरे पास इसके अलावा कोई स्लाइड ही नहीं है चलिए आपको बता देता हूँ एक और क्योंकि हम कैसे करने जा रहे हैं ये करंट अफेयर्स किस महीने से हम लोग शुरुआत करेंगे ये जानना जो है ये बहुत जरूरी है आइए तो मैं पहले तो आपको ये शुरुआत बता देता हूँ कि हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे किस हिसाब से करेंगे देखिए जो ये आपका ईयरली करंट अफेयर्स है जो एग्जाम में आता है कल भी देखिए दिल्ली पुलिस में जो पेपर हुआ था सात लगभग न्यूज आई है करंट अफेयर्स की और सातों की सातों आपके मॉर्निंग प्राइम और डिट्टो आए हैं सेम टू सेम मतलब ऐसा नहीं कि यार उसके जैसा कुछ आ गया सेम टू सेम आया हुआ है सेम टू सेम तो जो भी चार पांच महीने से भी जो फॉलो कर रहा होगा ना उसका भी काम आराम से लग गया होगा बढ़िया से अब देखो तो अब जो हम लोग ये करने जा रहे हैं दो साल के करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे इसमें देखिए हम लोग उसका मेथडोलॉजी क्या रहेगी हर चीज का प्लान पहले से आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे करेंगे सिक्स प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व ये मेथडोलॉजी रहेगी हमारी सिक्स प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व अब ये सिक्स प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व क्या है देखिए सिक्स का मतलब ये हो गया यानी सबसे पहले हम आखिरी के छह महीने करेंगे हमारे एग्जाम दिसंबर में लगा हुआ है और नवंबर में भी स्टेनो का लगा हुआ है दिसंबर में हमारा सीजन लगा हुआ है फिर सी भी आएगा तो हम सिक्स माने आखिरी के छह महीने माने ये जो छह महीने होंगे ये अप्रैल से लेकर के नवंबर तक होंगे बेसिकली अप्रैल से लेकर के ये अक्टूबर तक फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर अभी जो हम लोग करेंगे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक एक बार में करेंगे ठीक तो अगर देखिए अगर मान लीजिए इफ अगर आपने मिस आउट भी कर दिया ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने मिस आउट भी कर दिया बहुत देर से प्राइम टाइम करंट अफेयर्स पे आए हैं तो अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि आप ये सब कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अप्रैल के पीछे के छह महीने यानी कि अक्टूबर दो से लगभग लगभग अक्टूबर दो से लेकर के आपका इधर अप्रैल uh, 2022 तक की अप्रैल 2022 तक की यह करेंगे और यहां पर हम वो जो हमारा बचा हुआ पूरा 2021 का साल है हम ऐसे करेंगे ये इंपॉर्टेंस होती है करंट अफेयर्स की सबसे ज्यादा आपको इस पोर्शन से मिलेगा लमसम लमसम 60 से 65 आपको इस पोर्शन से मिलेगा लगभग uh, 60 परसेंट यहां यहां से मिलेगा लगभग 25 परसेंट आपको यहां से मिलता है और इसके बाद लगभग पंद्रह आपको यहां से मिलता है तो मोटा मोटा डिविजन जो होता है ये अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए मैं चाहूंगा कि अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि आपको पता हो कि आप कब क्या कैसे कहां पढ़ रहे हैं ठीक है लिख लिया परफेक्ट ऑल राइट ठीक है तो ये चीज हमने लिख ली हमें मालूम है कि हमारे करंट हम किस प्रकार से करने जा रहे हैं अब देखिए इसी में ही अब बात ये भी बता देता हूं कि हम लोग अब शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग सबसे पहले अप्रैल से शुरुआत करेंगे अप्रैल मई जून इसका कारण क्या है आप में से बहुत सारे लोग जुलाई से बहुत रेगुलर है जुलाई पूरा रेगुलर किया ऑगस्ट पूरा रेगुलर किया सेप्टेम्बर पूरा रेगुलर किया बट देन अप्रैल मई जून की कनेक्टिविटी जो थी वो छूटी हुई थी तो अप्रैल फिर मई फिर जून फिर जुलाई फिर अगस्त इस तरीके से हम लोग चलेंगे सेशन के टाइमिंग्स क्या होंगे हाँ मैं जानता हूं आप चाहते हैं जल्दी से शुरू हो मैं भी उतनी जल्दी चाहता हूं जल्दी से शुरू हो लेकिन यार बहुत सारे लोग इसको ना पहली बार देखेंगे इस सेशन को इसीलिए टाइमिंग बतानी बहुत जरूरी है देखिए ये जो सेशन होगा वैसे डेली सुबह सुबह सिक्स थर्टी एम पर करंट अफेयर्स होता है डेली मॉर्निंग सिक्स थर्टी एम पे करंट अफेयर्स होता है मंडे से सैटरडे ठीक मंडे से सैटरडे इसको अब तो बिल्कुल मत मिस करना यार देखो क्योंकि सिंपल सी बात है प्लीज मेक श्योर आप किसी हाल में ना मिस करें इसको क्योंकि अक्टूबर तक ही यहां कवर होगा उसका आपको डेली करंट अफेयर ही करना पड़ेगा आपको तो ये तो ना मिस करें अब इसी में क्या है वेडनेसडे को और सैटरडे को यार इसमें हम लोग इला करंट अफेयर्स करेंगे आज शनिवार है तो आज हम लोग इलाली करंट अफेयर्स कर रहे हैं अगला महीना माने मे का महीना हम कब करेंगे आने वाले वेडनेसडे को करेंगे ये एकदम क्लियर है बढ़िया से चलिए शाबाश आने वाले वेडनेसडे को उन्नीस तारीख होगी तो उन्नीस अक्टूबर को इनटीन ऑफ अक्टूबर को हम लोग करेंगे पूरा करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ मे इस तरीके से चलेगा स्केड्यूल क्लियर है सबको एक बार बता दीजिएगा क्या सबको स्केड्यूल क्लियर है शाबाश बढ़िया अब नेक्स्ट आते हैं चलिए

खाली 50 परसेंट पेट्रोल लीजिए माने पांच सौ एम एल पेट्रोल उसमें 500 मिला आता है 10 का 500 अब सोचिएगा अभी तक आपने क्या किया था आपने एक हजार रुपए खर्च करे थे एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए ठीक है अब अगर इथेनॉल है तो क्या हुआ आपने पांच सौ आपने क्या किया पेट्रोल लिया और पांच सौ इथेनॉल लिया पांच सौ पेट्रोल कितने का मिलेगा पचास रुपए का बट पांच सौ कितने का मिलेगा दस रुपए का दोनों को मिला दिया तो एक लीटर फ्यूल तैयार हो गया कितने रुपए में साठ रुपए में और गाड़ी भी सेम एवरेज देगी तो इसीलिए भारत में समय इथेनॉल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इथेनॉल बनता किससे है शुगर केन जो होता है ना गन्ना जिसको हम बोलते हैं गन्ने से बनता है आपका जो कॉर्न होता है जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं भुट्टे से बनता है इथेनॉल तो यह कहानी आती है इथेनॉल की अब बात यह आती है कि कहां लगाया गया है देखो ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नई है ना ये टेक्नोलॉजी जो है इथेनॉल की टेक्नोलॉजी ये पूरी तरह से नई है ना तो पूरी तरह से नई पूरी नई माने पूर्णिया तो कहां लगाया गया बिहार के पूर्णिया में ये क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्या है ये पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी है इसलिए ये पूर्णिया में लगाया गया पूर्णिया कहां है बिहार में याद रहेगा ना इथेनॉल की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नई है पूरी नई माने पूर्णिया तो पूर्णिया बिहार में इसको लगाया गया है यहां से आपको समझ आ गया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या याद रखना है दिमाग में ठीक चलिए अच्छा ये बताइएगा अब यह अभी अभी मैंने बताया कि किससे बनाया जाता है यह शुगर केन से बनाया जाता है ये शुगर केन से बनाया जाता है अगर गन्ने से बनाया जाता है तो इंडिया अब स्टैटिक जीके भी हम इसमें देखते चलेंगे तो यह बताइएगा स्टैटिक गन्ने का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री में होता है कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी शुगर केन की प्रोड्यूसर है शाबाश बहुत बढ़िया आंसर क्या आ जाएगा मेरा आंसर आएगा भारत हम शक्कर बहुत खाते हैं भाई हम बहुत मीठे आदमी हैं मतलब मीठा का मतलब

सारा बनाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट भी मिलेगा बचेगा ना जैसे आपने देखा है गन्ने का जूस ऐसा गन्ने बनाते हैं गन्ने के जूस के बाद क्या होता है जो वो बैगस बच जाता है बैगस बैगस को क्या करेंगे ऐसी इथेनॉल बनाने भी बचता है उससे पन्ना बनाएंगे पेज दफ्ती हार्डबोर्ड ये बनाएंगे इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं साइक्लिक इकोनॉमी एक दुकान का कचरा दूसरी दुकान का रॉ मटेरियल है जैसे आपके घर का कचरा कबाड़ी के लिए रॉ मटेरियल होता है है ना बस वैसे ही चलिए दूसरी न्यूज पे आ रहे हैं वरुण अब वरुणा की बात करते हैं यार देखिए वरुणा का मतलब क्या है समझना यहां पर वरुण का मतलब होता है ओशियन वरुण का मतलब होता है जो वरुण है ना देवता है ये वरुण देव जो है माने जाते हैं कि ये समुद्र के देवता है वरुण देव माने जाते हैं ये समुद्र के देवता है समुद्र में क्या होता है समुद्र में शिप फंस जाता है समुद्र में क्या होता है जब मान लो देवताओं को गुस्सा आ गया तो समुद्र एकदम बवाल हो जाएगा तो समुद्र में क्या होता है शिप फंस जाता है तो वरुणा हमारी डिफेंस एक्सरसाइज है फंस जाता है माने फ्रांस के साथ होती है ओशियन में क्या होता है शिप हमारा फंस जाता है माने ये डिफेंस एक्सरसाइज हमारी किसके साथ है फंस जाता है क्या हो गया फ्रांस के साथ है बोलो एकदम बढ़िया तो ये हमारी मरीन डिफेंस एक्सरसाइज होती है किसके साथ फ्रांस के साथ में तो वरुणा वरुण कौन होते हैं जो वरुण देव होते हैं हमारे ओशियन के भगवान होते हैं तो इससे क्या हुआ ये जब रुद्र रूप इनका होता है तो ये ओशियन बवाल कर देते हैं ओशियन में तो शिप फंस जाते हैं फंसने से क्या हो गया फ्रांस हो गया तो इंडिया और फ्रांस के बीच की जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज होती है उसको हम लोग वरुणा कहते हैं ठीक बात है एक और बात इंटरेस्टिंग अब बात आती है एक और एक्सरसाइज भी होती है आपको याद है के का एफ केजीएफ का गरुड़ा याद है केजीएफ का गरुड़ा भी क्या करता है सारे लोगों को फंसा लेता था जो भी केजीएफ में काम करने आता था वो उसको जीवन भर के लिए फंसा लेता था तो गरुड़ा भी क्या है फ्रांस और इंडिया के बीच की एक्साइज है ठीक है तो गरुणा भी क्या है वरुणा और गरुणा तो गरुणा भी क्या है गरुणा भी फ्रांस और इंडिया के बीच में अब देखो वरुण कौन है वरुण देव क्या है ओशियन में तैर, के देवता है तो ये नेवल हो गई गरुण कहां उड़ता है गरुण क्या करता है जानवर है चिड़िया है गरुण तो पक्षी है जो उड़ता है तो बताओ ये किसके बीच में एक्सरसाइज होगी कॉमन सेंस लगाइए ये।, ये नेवी के बीच में आर्मी के बीच में या फिर एयरफोर्स के बीच में ियसली एयरफोर्स के बीच में तो गरुड़ा भी क्या हो गया एयरफोर्स इंडिया और फ्रांस की जो एयरफोर्स है इनके बीच में एक्साइज होती है गरुड़ा कैसे गरुड़ा भी फंसा लेता है ओशन में भी आदमी फंस जाता है के जी एफ देखिए कि नहीं देखिए आपने कितने लोगों ने के जी एफ देखिए हा मेरी ऑफ यू सीन के जी एफ जीएफ के जी एफ कितने लोगों ने देखी है? अच्छा ये बताओ उल्टा सवाल पूछता हूँ कितने लोगों ने केजे एफ नहीं देखी है तो मोस्टली आई बिलीव सब ने के जी एफ देखी होगी के जी एफ नहीं देखी है सभी लोग के जी एफ देखे हुए हैं तो गरुणा को भी आप जानते होंगे चलो आगे आते हैं हम लोगों ने ये देख लिया है आ, गरुणा वरुणा ये देख लिया एक और होती है शक्ति तो गरुणा वरुणा देख लिया अच्छा देखिए जब हम ये सब देखते हैं ना तो हमें कुछ साथ में एक स्टैटिक हमें थोड़ी और देखनी होती है कि और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है जो कि आपको यहां पर है तो जाइमैक्स हो गया जैसे जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज जाइमैक्स हो गया देन विनबैक्स हो गया वियतनाम इंडिया बायोलैक्ट्रल एक्सरसाइज जाइमैक्स हो गया देन आपका विनबैक्स हो गया ये, ये आपकी इसी के टाइम के आसपास में हुई है ये चलो इसका नाम वरुणा का पड़ा है 2001 में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है ये कि नाम का पड़ा है आइए हेलिना मिसाइल करते हैं हेलिना ये कौन थी हेलन 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 क्या है अब हेलन क्या है देखिए यहां पर क्या है मतलब हेलन वॉज कंसिडर्ड एज वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडीज ऑफ ऑल टाइम मोस्ट ब्यूटिफुल लेडीज ऑफ ऑल टाइम हेलन को Helen एक एक्ट्रेस थी तो हेलन को मोस्ट ब्यूटिफुलसिडर uh, किया जाता है अब देखिए आर्मी में जो लोग होते हैं बड़े सख्त होते हैं और जो टैंक के अंदर बैठे हुए तो और भी सख्त होते हैं मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता लेकिन सो ब्यूटिफुल so टैंक टैंक को भी भेज सकती थी मैंने टैंक के अंदर बैठा हुआ आदमी भी उनके उनको समझ में आ सकता था तो कहानी क्या हो गई हेलन क्या हो गई हेलिन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है

पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या होता है देखो कैसे चलते हैं ये ये हीट सिग्नेचर्स पे चलते हैं गाइडेड मिसाइल में होता क्या है जैसे मान लो मैंने क्या किया मैंने टारगेट को लॉक कर दिया ठीक है अब जैसे मैंने टारगेट को लॉक कर दिया तो अभी क्या होगा हर व्यक्ति अगर कोई जिंदा व्यक्ति है तो उसकी बॉडी हमेशा ही इंफ्रारेड हीट को छोड़ती रहेगी हीट सिग्नेचर्स छोड़ती है हमेशा तो अभी क्या होती है ये जो मिसाइल्स होती है ना जैसे मान लो ये रिमोट है अब मैंने क्या किया ये मेरी मिसाइल है अब देखना ये रिमोट है ये मिसाइल है मेरे को इसके ऊपर फायर करना है तो ये ना इंफ्रा रेडिएशन छोड़ेगा हर, हर सब में होते हैं लिविंग बींग्स में और ज्यादा होते हैं लिविंग बींगस में और ज्यादा होते हैं तो अभी क्या हुआ अगर मान लो ये लिविंग है अब क्या हुआ <laughs> Harry वाला रिमोट है लिविंग क्या हुआ यहां पर ये इस इसमें से हीट सिग्नेचर निकल रहे हैं ना ये जो ये ये जो मेरी ये जो मेरी मिसाइल है ना ये हीट पकड़ती है गर्मी को देखती है कहां से हीट आ रही है तो जैसे ही जैसे क्या होगा ये इधर इधर उधर उधर मुड़ेगा ना ये भी क्या करेगी इसको हीट उधर जाती हुई दिखेगी ये भी उधर मुड़ेगी हीट इधर जाते हुए दिखेगी ये भी इधर मुड़ेगी हीट उधर जाते हुए दिखेगी ये भी उधर मुड़ेगी फिर इधर आएगी फिर उधर आ जाएगी तो ये क्या है हीट सिग्नेचर पर चलती है इनको गाइडेड मिसाइल जितनी भी होती है ये हीट सिग्नेचर के ऊपर ही काम करती है ठीक है अब आपने कई बार देखा होगा मूवीज में कि जब पायलट के पीछे कोई कोई मिसाइल पड़ी होती है तो वो फ्लेयर्स छोड़ता है माने ऐसा, ऐसा पटाखे ऐसा छोड़ता है कुछ तो वो क्या होते हैं? वो फ्लेयर्स होते हैं क्या हुआ जैसे ये जा रहा था ये जा रहा था जा रहा जा रहा था अभी इसको इसको डिटेक्ट हुआ कि भाई पीछे से मिसाइल आ रही है तो इसने क्या किया इधर 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 काफी सारे पटाखे छोड़ दिए पटाखों में क्या होता है हीट सिग्नेचर होते हैं इधर 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 और इधर 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 तो मिसाइल कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसको तो ये बोला था गर्मी के पीछे जाना है लेकिन कौन सी गर्मी के पीछे जाना है ये नहीं पता था तो अभी क्या हुआ मिसाइल कंफ्यूज हो गई मिसाइल जाकर किसी फ्लेयर से टकरा गई और फ्लाइट बच गई तो ये गाइडेड मिसाइल को रोकने का तरीका होता है पहली ना क्या इट्स अ गाइडेड मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत में और भी ये 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 देखिए देख रहे हैं ये, यहां, से फायर होती है ये, और ये यहां पर हीट सेंसर लगे होते हैं इसके आगे डोम पे इसके हीट सेंसर लगे होते हैं ये हीट को सूंघते हुए जाते हैं चलो अब देखो दूसरी चीज इसी में क्या होती है आ, एक और हमारे पास बहुत ही फेमस हमारे पास एक मिसाइल है ब्रह्मोस तो वो किस कंट्री के साथ मिलकर के हमने बनाई हुई है एक और हमारे पास बहुत ही फेमस मिसाइल है इसी के संग बात कर लेते हैं ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस जो है एक्चुअल में इंडिया इसका मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है और कहां पर हमारे अपने शहर में लखनऊ में और इंटरेस्टिंग बात सुनिए ये भी हमारे घर से तीन किलोमीटर दूर है तो ऐसा लगता है हमारा घर जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सेंटर है चार किलोमीटर दूर आपको बता रहा हूं लिटरली चार किलोमीटर दूर है आप लोगों ने सुना होगा कुकरेल जो पार्क आ रहा है अब अब ये नहीं बताऊंगा कुकरेल भी मेरे घर से चार किलोमीटर अब ये नहीं बताऊंगा इस बार तो अभी कुकरेल पार्क जो है ना वो भी उसका भी सीन क्या है वो पार्क और जहां पर ये मैन्युफैक्चर होने जा रही है इनमें एक किलोमीटर की दूरी है बहुत पास पास है जहां ब्रह्मोस मैन्युफैक्चर होने जा रहा है चलो अच्छा अब समझते हैं एक और चीज बात करते हैं ब्रह्मोस कैसे बना हुआ है सो ब्रह्मोस दो नदियों के नाम से बना हुआ है ब्रह्म माने ब्रह्मपुत्रा कोई मुझे इसका नाम बता दो मॉस का मतलब क्या कोई बता दो मुझे कोई भी व्यक्ति बता दो कि क्या है ये चलो तो यार मॉस का मतलब क्या है मॉस्को बोल देंगे आप है ना अरे भाई एक नदी और एक शहर के नाम से नहीं बनी है ब्रह्म माने ब्रह्मपुत्रा और मॉस माने मॉस्कोवा तो मॉस्कोवा क्या है रशिया की गंगा तो मॉस माने मॉस्कोवा मॉस्कोवा ठीक है तो मॉस हो गया मॉस्कोवा और ब्रह्म का मतलब हो गया ये हो गया ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा ठीक है तो इन दो नदियों के मिलन से बनी है ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा से ब्रह्मोस बना है ब्र, ये मत लिख देना मॉस्को मत लिख देना कभी भी ठीक है आ जाओ आगे अच्छा आई एन एस अब यहां बात करते हैं यार वागशीर क्या है देखिए वागशीर की कहानी क्या होता है वागशीर एक्चुअल में क्या है वागशीर यार एक नाम है बहुत इंटरेस्टिंग खबर है ये बहुत इंटरेस्टिंग वागशीर एक मछली का नाम होता है इंडियन में पाई जाती है और एक मछली मछली का नाम होता है है अच्छा ये बताओ हवा हवा में हवा में तैरती चलती है या फिर पानी में पानी के अंदर तैरती है पानी के अंदर तैरती है ना वागी एक्चुअल में एक मछली का नाम होता है जो बड़ी स्विफ्ट होती है बहुत तेज चलती चली जाती है और स्पेशली इंडियन ओशन में पाई जाती है तो इंडिया एसोसिएट हो गया मछली एक्चुअल में सच्चाई है मछली का ही नाम होता है तो अब मछली भी एसोसिएट हो गई मछली पानी के अंदर होती है माने इसका मतलब ये वागशीर क्या होगा ये एक सबमरीन होगा तो आई एन एस वागशीर जो है आई एन एस का मतलब होता है कभी भी आप देखो आई एन एस करंज आई एन एस वागशीर आई एन एस विशाल आई एन एस विक्रांत आई एन एस का मतलब आप बता दीजिए एक बार ही मुझे क्या होता है छोड़ो एस का आई एन एस में एस का मतलब आप बता दो क्या होता है INS इंडियन नेवल शिप आई मतलब इंडियन नेवल शिप ये होता है तो INS एन वागशीर अब देखो हुआ क्या था जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई तो हमने एक चीज रियलाइज करी पाकिस्तान ने एक चीज का इस्तेमाल किया था PNS गाजी एन क्या था पाकिस्तान नेवल शिप इनकी मोस्ट डेकोरेटेड सबमरीन थी इन्होंने यूएस से खरीदी हुई थी इनका पास वैसा भी पैसा भी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होगा लेकिन बम मारने के लिए और इस तरीके का सबमरीन खरीदने के लिए इनके बहुत पैसा होता है इनके पास में तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान से खरीदी थी और हमारे आई राजपूत जो कि हमारा डिस्ट्रॉयर था उसको टास्क दिया गया था खत्म करने का समझिएगा आई राजपूत पीएनएस गाजी के आगे कुछ भी नहीं था कुछ नहीं था उसके पास इतनी गजब की कैपेबिलिटीज थी लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ये जो पीएनएस गाजी थी ये मिली ही नहीं गायब हो गई उन्होंने बोला टेक्निकल खराबी हो गई थी आइडियली इंडियन नेवी ने मार गिराया था उनकी सबमरीन को तो खैर हमें वहां ये रियलाइज हुआ कि हम कितना ज्यादा अपने आप में फील कर रहे हैं कि हमारे पास पीएनएस गाजी को जवाब देने के लिए सबमरीन नहीं है तो भारत सरकार ने बोला उसी समय एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बोले अगले तीस साल के अंदर बेसिकली सन 2000 में लॉन्च हुआ था बोले अगले 30 साल के अंदर हमारे पास अपनी खुद की 24 सबमरीन आपको बनानी होगी तो 30 साल के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया जिसमें कि ये 24 सबमरीन बनाने का टारगेट दिया गया भारत को और इसमें हमारे पास में 18 सबमरीन जो है, वो डीजल इलेक्ट्रिक से चलेंगी और 6 सबमरीन न्यूक्लियर से चलेंगी अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों है डीजल इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर इनमें डिफरेंस क्या है देखो कभी भी क्या होता है आपने अच्छा कितने लोगों ने वो हरा वाला जो जनरेटर ऐसे घुमाया जाता है उसको चलते हुए देखा है मतलब जो शादियों में पीछे ने आपने बारात में देखा होगा एक आदमी वहां पर बारात में सबसे पीछे वो जनरेटर लेकर के ऐसे चलता रहता है सबने देखा है ना वो डीजल क्या होता है डीजल इंजन होता है धुआं निकलता है हमेशा। तो, डीजल तो उसको धुआं तो निकालना ही निकालना है उसका धुआं क्या धुआं निकल पाएगा अगर पानी के नीचे जाएगी सबमरीन तो धुआं निकल पाएगा नहीं सारा का सारा सबमरीन के अंदर घुस जाएगा इसीलिए तरीका यह होता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्यों बोलते हैं सबमरीन सरफेस पे आई सरफेस पे आते ही उसने अपने डीजल इंजन को ऑन करा उस डीजल इंजन से सबमरीन कभी नहीं चलाते हैं उस डीजल इंजन से सबमरीन के अंदर जितनी भी बैटरी लगी हुई है सारे बैटरी को चार्ज करते हैं जैसे ही बैटरी चार्ज तो धुआं निकलता है वो खुल गई थी तो अब खुल गई है तो सारा डीजल का धुआं अब निकाल सकती है तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है बड़ा नंबर है नईरस इक्कीस दिन के लिए पानी के नीचे रह सकती है मतलब इसमें इतनी पावरफुल बैटरी लगी हुई है कि यह 21 दिन के लिए पानी के नीचे रह सकती है यह सब कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं यह एक प्रोजेक्ट है जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट सेवेंटी प्रोजेक्ट सेवेंटी

<laughs> Thick. नेक्स्ट क्स्ट बार बिल्कुल आप हमारी शादी में वही वाला जनरेटर लेकर के आइएगा एकदम अच्छा देखो ये स्कॉर्पियन क्लास क्या होता है देखिए आप एक बार ध्यान रखिए एक एक शब्द जो आपके पे लिखा हुआ है ना आपको एक एक शब्द का मीनिंग अगर आप समझ रहे हैं रट नहीं रहे अगर आप समझ रहे हैं तो आपके लिए एक तो पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होती है दूसरा क्या होता है कि आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती चीजें अपने आप खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाती है स्कॉर्पियन क्लास क्या होता है देखिए स्कॉर्पियन क्लास का मतलब ये हो गया जैसे अगर मैं आपसे एक बार बोलू रेसिंग कार जैसे ही मैं रेसिंग कार बोलता हूं आपको पता है कि कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हो जाएंगे वो बहुत लग्जरी नहीं होगी उसमें लेकिन उसका पिकअप एकदम बवाल होगा एकदम आप जैसे ही थ्रोटल पे पैर रखिए एकदम कार दौड़ जाएगी एकदम इसकी स्पीड बहुत तेज होगी ठीक है लेकिन जैसे मैं बोलूं लग्जरी कार आपको लगेगा आप सोचेंगे आराम से बैठे हुए साफ सोफे जैसी चेयर है माने ये जो क्लास होते हैं ना उससे डिफाइन होती है, उनकी तो, करती है तो बहुत ज्यादा तो सुन लेगा तो इसीलिए उसमें क्या होती है ऐसी कोटिंग ऐसा पेंट की कोटिंग करी जाती है कि आवाज जो है वो अंदर ही रह जाए या पानी में डिसिपेट हो जाए वो बाहर ना निकले नहीं तो रडार पकड़ लेगा तो स्कॉर्पियन क्लास की खासियत होती है सब हम बना रहे हैं जिसके पास कोई कोई भी सबमरीन नहीं थी सोचिए ये हम लोग बना रहे हैं इस समय और बन के तैयार भी हो गई हैं तो ये है हमारी आईएनएस वागशीर

जैसे मैंने एक किलो कोयला लिया ठीक है अभी कभी कभी आपने देखा होगा को कोई कोई कोयला होता है बेहतरीन जलता है किसी किसी को जलाते जलाते आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे लेकिन कोयला जलने का नाम ही नहीं लेता है तो क्या होता है जिस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा माने अगर आप उसका एक ग्राम, एक ग्राम बर्न करोगे एक ग्राम बर्न करोगे एक किलो बर्न करोगे तो कितनी एनर्जी देगा आपको वो होती है कैलोरिफिक वैल्यू ठीक है तो अच्छा कोयला होगा महंगा कोयला आएगा तो एक किलो जलाने पर खूब सारी हीट देता है ठीक है तो अभी क्या हुआ यहां पर कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है मन हाइड्रोजन को जलाओगे तो बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी ठीक तो अभी क्या है हमने सोचा कि पेट्रोल को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन से क्योंकि हाइड्रोजन को अगर कंबशन भी करोगे जलाओगे भी तो किसी भी चीज को जलाने का मतलब पता है क्या होता है आप उसको ऑक्सीजन से आप क्या करा रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं आप ठीक है तो यहां पर क्या होता है आपने एच टू प्लस टू एच टू प्लस ओ टू या अगर कंबशन जलाओगे भी तो बनेगा क्या यार क्या पानी नहीं बनेगा ये बताओ अगर आपने हाइड्रोजन का कंबशन भी करा इंजन के अंदर हाइड्रोजन को जलाया भी एनर्जी लेने के लिए जलाना पड़ेगा तो एंड प्रोडक्ट देखिए कोई सल्फर कोई कार्बन कोई कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं है वाटर वेपर बन रहा है खाली ठीक तो अभी इसीलिए क्या बोला कि हम हाइड्रोजन भारत में खूब बनाएंगे तो अब उसके लिए बनाने के लिए क्या है? कैसे बनाएंगे पानी को लेंगे इसका रिवर्स प्रोसेस पानी को लेंगे उसका इलेक्ट्रॉलिस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में छोड़ देंगे और हाइड्रोजन को अपने पास रख लेंगे स्टोर करके अब इलेक्ट्रॉलिस करने के लिए तो हम बिजली चाहिए तो बिजली कहां से आएगी अब सोचो अगर हम ये कर रहे हैं मैंने अपने घर से मैंने ऐसे यहीं नीचे बोर्ड में वो प्लग लगा करके उससे इलेक्ट्रोलिस कर रहा हूं कह रहा हूं मैं ग्रीन एनर्जी बना रहा हूं कहे की ग्रीन बिजली तो मैं नॉर्मल वाली ले रहा हूं मेरी ये वाली बिजली तो थर्मल पावर प्लांट से बन के आई है तो इसीलिए ग्रीन नहीं हुआ ग्रीन का मतलब जो मैं बिजली ले रहा हूं वो सोलर पावर है तो इसमें हम क्या करते हैं सोलर पावर माने सोलर पैनल से बिजली ली उससे हमने हाइड्रोजन निकाली तो पूरी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन हो गया मतलब बढ़िया हरियाली वाली जगह होनी चाहिए ना वो देखिए भाई हरियाली वाली जगह कहां होती सबसे बढ़िया हरियाली ईस्ट में और ये प्रोजेक्ट कैसा है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा राज्य में होगा इसका मतलब ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा असम है तो असम के जोरहाट में असम के जोरहाट में आपको यह चीज क्या है यह मिलने जा रही है अब नाम कैसे याद जोरहाट देखो यार रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी यूज करती है है ग्रीन हाइड्रोजन सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है सोलर एनर्जी हो गई धूप बहुत तेज है बहुत तेज धूप में आपको क्या आपको जोरदार हैट पहननी पड़ेगी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जोर जोरहाट में असम में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आ रहा है चलो बताओ पहला इथेनॉल बेस्ड प्लांट कहां आ रहा है सब लोग बताइए पहला इथेनॉल बेस्ड प्लांट कहां आ रहा है क्या अच्छा अच्छा इक्वेशन बैलेंस नहीं है कोई बात नहीं हमें इक्वेशन बैलेंस करके कुछ करना भी नहीं है भाई हम कौन सा केमिस्ट्री ले रहे हैं और ऐसे है तो यार चार हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है सब तो बैलेंस है यार बढ़िया से सब तो बढ़िया से बैलेंस है खैर अब बताओ पहला इथेनॉल बेस्ड प्लांट कहां पर आ रहा है ये बताइए सब लोग अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है जी एवरी वन शाह ये कहां पर आ रहा है ये आ रहा है पूरा नया प्लांट है तो पूर्णिया में आ रहा है पूर्णिया कहाँ बिहार में आगे आएंगे भाई देखिए आर्मी की कमान जो है वो बदली है अभी तो हमारे 29वें चीफ ऑफ आर्मी कौन आ गए पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नारवाने और अब कौन आ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इनको अपॉइंट किया गया है नाम याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सबने बचपन में एक देखिए आर्मी के दो हीरोज वैसे तो सभी हीरोज होते हैं हमारे वहां पर लेकिन आपने आर्मी के दो हीरोज की ही कहानी जरूर सुनी होगी एक कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके ऊपर ये मूवी बनी है और दूसरा ये वाला नाम हमारे लखनऊ में एक मनोज पांडे चौराहा भी है तो वो उन्हीं की स्मृति में बनाया गया है वो लखनऊ के ही रहने वाले थे तो यहीं पर ही उनका घर भी है उनके घर के पास में एक चौराहा बनाया गया है मनोज पांडे चौराहा तो अभी यहाँ पर क्या है इससे आप याद रखेंगे कि भाई एक आर्मी का नाम सुनते हैं आपको दो नाम सबसे पहले याद आएंगे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज मनोज पांडे तो अभी यहां पर क्या हुआ मनोज पांडे जी जो है इनके नाम पर इसको रखा गया था आ, ये शहीद हो गए थे तो इन्हीं के नाम इन्हीं का नाम क्या है नए वाले लेफ्टिनेंट जनरल का भी नाम नए वाले चीफ का भी नाम है तो आर्मी के चीफ का नाम क्या हो गया पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नारवाने एक जुलाई ऑनवर्ड्स कौन हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंजीनियर्स कॉप से आए हैं इसके पहले के जितने भी लोग हैं जितने भी चीफ बने हमेशा या तो आ, किसी ना किसी आ, फाइटिंग कॉम्बैट वाली कॉप से आए हैं लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं पहले ऐसे चीफ हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉप से आए हैं ठीक किसको रिप्लेस किया इन्होंने जनरल एम एम नारवाणे मनोज मुकुंद नारवाने चलिए आइए अब बिहार कह रहा है भाई देखो ऐसा है अब एक अगली न्यूज आ रही है बिहार कह रहा है कि भाई ऐसा है यहां पर <laughs> वो हमारे घर से यार वो थोड़ा दूर है यार सात आठ किलोमीटर दूर है दस किलोमीटर दूर है तो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो बिहार बोल रहा है कि भाई देखिए ऐसा है साइक्लोपियन वॉल जो है हमारी साइक्लोपियन वॉल यहां पर आपको दिखाता हूं ये देखो क्या है ये देखिए यार एक बड़ा वंडर आपको बताऊं वंडर ये है कि देखिए ये सब जो दीवारें हैं ये इनमें ना चूना इस्तेमाल हुआ है ना गारा इस्तेमाल हुआ है ना सीमेंट इस्तेमाल हुई है और फिर भी ये ढाई ढाई हजार साल से खड़ी हुई है ये ढाई हजार साल पुरानी दीवार है जैसे फ्रांस में एक दीवार है ना बिल्कुल वैसे ही ये दीवार है ढाई हजार साल पहले तो बिहार सरकार ने बोला है यूनेस्को को कि आप इसको अपनी धरोहर में शामिल कर लीजिए क्योंकि ये इतनी उन्होंने ए को लिखा है कि भाई ए से बोला है कि आप यूनेस्को को बोलिए इसको अपनी धरोहर में शामिल कर ले क्योंकि ये ढाई हजार साल पुरानी दीवार और देखिए ऐसे ही खड़ी हुई है और आज अगर इतना एडवांस इंजीनियरिंग ये वो हम दुनिया भर की बातें करते हैं आज एक घर की जो लाइफ होती है वो सत्तर साल साठ साल सत्तर साल अस्सी साल, लाइफ नहीं होती है चोला टेम्पल्स जो है चोला टेम्पल साउथ में है तो चोला टेम्पल्स में क्या होता है पढ़ाया हुआ है ऐसे घर बनाए गए हैं ऐसे मंदिर बनाए गए हैं कि जो स्टोन्स है ना उनके वो आपस में ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं और एक भी परसेंट चिपकाने का कोई सामान ना सीमेंट है ना चूना है ना गारा है कुछ भी नहीं एक भी परसेंट नहीं है और वो इंटरलॉकिंग स्टोन को यूज करके पांच पांच मंजिल ऊंचे और खूब भारी भारी उन्होंने इमारतें बना दी और वो ऐसी इमारतें हैं इमारतें का मतलब मंदिर है जो कि बिल्कुल भी अगर भूकंप भी आ जाएगा ऐसे भूकंप भी आ जाएगा तब भी उसको कुछ नहीं होगा सोचिए भूकंप पे आने पर भी इसमें कुछ नहीं होगा इवन मोडेरा का सन टेम्पल जो है वो भी ही बना हुआ है कि अगर भूकंप भी आ जाएगा तो मोढ़ेरा का सन टेम्पल को कुछ नहीं होगा इंटरलॉकिंग स्टोन से बना हुआ है पूरा मोडेरा का सन टेम्पल इतना ऊंचा तो क्या नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर होता था उस समय तो यह अभी कौन सी आ जाएगी इस दीवार का नाम क्या है साइक्लोपियन वॉल नाम बिल्कुल बिहार के उस सेंस पे नहीं आता है बिहार में साइक्लोपियन वॉल ये नाम बड़ा अलग लगता है बिहार के हिसाब से कि भाई साइक्लोपियन ये तो काफी अलग सा है तो बट नाम याद करेंगे हम लोग साइक्लोपियन हमारे पास साइक्लोपियन वॉल आ जाएगी चलिए बढ़िया बात नेक्स्ट कहानी के ऊपर आएंगे अच्छा ये बताइए अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं ए, एक मिनट हम लोगों ने एक छोटी सी ये तो बात कर ली यहां पर मेरे को ना आपको एक और चीज बतानी थी ये बताइए भारत में इस समय एयर चीफ मार्शल कौन है भारत में इंडियन एयरफोर्स के हेड का नाम क्या है भारत में प्रेजेंट आर्मी चीफ का नाम क्या है प्रेजेंट आर्मी चीफ का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं सारे लोग बताइएगा

हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन हो गए सरदार बलदेव सिंह हो गए हमारे सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार बलदेव सिंह प्रेजेंट कौन है राजनाथ सिंह फिर एयर इंडियन एयरफोर्स से कौन है एयर चीफ मार्शल मिस्टर वी आर चौधरी हो गए देन आ, भारत के पहले कमांडर इन चीफ जिसे अभी तो ये बने हैं भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया के एम करियाप्पा नाम क्या आएगा के एम करियाप्पा चलो इतना स्टैटिक था इसमें

तो अभी इसका इस मेघालय का नाम मेघालय पड़ा भी इसीलिए क्योंकि वहां बारिश बहुत होती थी तो बारिश कब होती है जब बादल होते हैं तो बादल बो, लोग बोलते थे बादल तो यहीं रहते ही हैं मेघ हमेशा यहीं रहते हैं माने ये मेघों का घर है माने मेघों का आलय है तो मेघ का आलय मतलब मेघालय इसीलिए क्योंकि वहां हमेशा बादल रहते हैं इसीलिए हमेशा बरसात होती है तो वहां से नाम पड़ा मेघालय अब जब बरसात बहुत ज्यादा होती है तो पेड़ों को न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मिलता है तो इतने ज्यादा न्यूट्रिशन में होता यह है कि वो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो इनकी रूट्स भी खूब

पचास आदमी तक इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं यार. फिफ्टी पीपल कैन स्टैंड ऑन इट इस वाले ब्रिज इस ब्रिज के ऊपर इमेजिन करिए व्हाट एन अमेजिंग थिंग दिस इज तो ये अच्छा बताओ अब एग्जाम में क्या आएगा कि लिविंग आ, रूट्स ब्रिज कहां पर है आप बताओ राज्य कौन सा बोलोगे सब लोग बताओ राज्य कौन सा बोलोगे राज्य कौन सा बोलोगे लिविंग रूट ब्रिज के लिए आप कौन सा राज्य बताओगे कि कहां पर है ये परफेक्ट लिविंग रूट ब्रिज जो है ये आता है आपका किस जगह पर मेघालय में आता है शाबाश यार बहुत बढ़िया चलिए मेघालय में दो ऐसी जगहें हैं जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है उनके नाम क्या है मेघालय में दो ऐसी जगह है जहां भरपूर वर्षा होती है एक का नाम है मोसेन और दूसरे का नाम है चेरापुंजी राइट नेक्स्ट पर आते हैं लिविंग रूट ब्रिज इसका ये कौन से पेड़ से बनता है फिक्स इलास्टिका ये भी बढ़िया बात है नाम याद करना कितना आसान है पहली चीज रूट फिक्स रहेगी और साथ में इलास्टिक भी होगी अगर इलास्टिक कोई चीज नहीं होगा पट्टे से टूट जाएगी किसी भी चीज में इलास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है तो वो टूटेगी नहीं वो थोड़ी सी खिंचेगी फिर वापस चली जाएगी तो फिक्स इलास्टिका कितना ईजी नाम है इसका तो पेड़ का नाम क्या है फिक्स इलास्टिका ठीक यह भी याद करना कितना ईजी है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब देखिए हुआ क्या नरसिम्ह पट्टी नंगा नंगास्वरम क्या है ये नागस्वरम नरसिम्ह पट्टी नागस्वरम नरसिंह पट्टी नागस्वरम ये क्या है कुछ नहीं ये नाम टेक्निकल सा है इसको जीआई टैग के लिए बोला है किसने वहां के सरकार ने कि भाई ऐसा करते हैं इसको आप दे दीजिए जीआई टैग और इसको दे दिया गया है चेन्नई में देखिए जीआई टैग का हेड ऑफिस भी आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन है शहनाई होती है देखिए लकड़ी की शहनाई है इसी खासियत ये होती है कि ये लकड़ी से बनाई जाती है पुराने पेड़ों की लकड़ी से या फिर घर में जो लकड़ी होती है जो पुराने घर होते हैं उनके दरवाजों की लकड़ी छील करके इसको बनाया जाता है तमिलनाडु में कल्चर है जैसे हमारे वहां क्या होते हैं हमारे वहां छत होती है वहां वराने काफी होते हैं छत तो वहां भी होती है वहां वराने काफी होते हैं और वरान्डे में लकड़ी के बड़े बड़े पाए लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े भारी भारी तो उनसे छील करके ये बनाया जाता है और ये बड़ी पुरानी आर्ट आ रही है वहां की तो नाम क्या है इसका नरसिमपट्टी नागस्वरम नाग स्वरम बढ़िया याद हो जाएगा कैसे याद होगा नाग जैसे लंबा सा है ना ये नाग ऐसा देख रहे हैं ये फन निकला हुआ है नाग हो गया और स्वरम माने बजाने जैसा कुछ है तो इससे याद हो जाएगा क्या हो गया नाग स्वरम इतना याद रखो आप खाली नाग इतना लंबा सा है देखो आगे फन भी निकला हुआ नाग हो गया और स्वरम माने कुछ ना कुछ बजाने का इंस्ट्रूमेंट है तो ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है शहनाई जैसा इससे आपको याद हो जाएगा चेन्नई में इसको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु में तमिलनाडु का है ये चलिए और आगे आते हैं आज नेक्स्ट पर आते हैं क्या हाँ ठीक है ऑल राहुल जो भी डिस्प्यूट है तो आप उस व्हाट्सएप जो सपोर्ट नंबर है ना ऊपर देखिए जो भी इंक्वायरी आपको कोर्सेस की इंक्वायरी करनी है आपको किसी भी चीज की इंक्वायरी करनी है आपको डिस्प्यूट है रिजल्ट में जो आपका कल आया है रिजल्ट उस उसमें कुछ भी है तो आपको अगर आक्चल में मतलब वो डिस्प्यूटेड रिजल्ट है तो ऐसा नहीं भर मत देना सपोर्ट को वैसे सपोर्ट के पास इतने मैसेज होते हैं इतनी इंक्वायरी होती है कि हालत खराब हो जाती है उनकी रिजॉल्व करते करते तो आप इसके ऊपर मैसेज कर दीजिए ठीक है चलिए आइए तो आइए अब क्या हो रहा है ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड देखिए ट्री सिटी का मतलब क्या होता है ट्री सिटी माने जितनी भी जो भी अर्बन शहर है आपने देखा अर्बन शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही उनको साहब रोड बनानी है कचाक खचाक सीधा पेड़ काट दो पेड़ काट दो पेड़ काट दो रोड चौड़ी होनी एक ही ऑप्शन है रोड चौड़ी होनी पेड़ काट दो तो अर्बन शहर जो कि ध्यान रखते हैं कि यार हमें अर्बनाइजेशन तो करना है लेकिन साहब पेड़ों के कॉस्ट पर नहीं करना है हमें पेड़ों को भी बचा के चलना है प्रॉपर तरीके से तो उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है तो पिछले साल ये अवार्ड किसको मिला था हैदराबाद को इस साल किसको मिला है हैदराबाद एंड मुंबई दोनों को मिला है हैदराबाद को पिछले साल भी मिला था इस साल भी मिला है कंजिवली हैदराबाद को मिला है मुंबई को पहली बार मिला है माने ये लोग अर्बनाइजेशन भी करते हैं लेकिन साथ में ट्री प्लांटेशन भी गजब लेवल पर करते हैं ताकि एनवायरमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़ने पाए ठीक तो ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गई यहां

नीम की पत्तियों से लेता हूं उसके बाद जो फल होते हैं ना फल जो मंदिरों में फल चढ़ाए जाते हैं मैं उन फलों से लेता हूं फलों के रस यूज करता हूं पेंट में नीम की पत्ती यूज करता हूं और जो फूल चढ़ाए जाते हैं ना मंदिरों में अलग अलग रंग के मैं उनको इस्तेमाल करता हूं और उससे यूज करके मैं बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता हूं अब एक बात बताइए मेरी इस आर्ट को यार ये अच्छी आर्ट है ना ये दुनिया को पता चलना चाहिए लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला तो फिर मैं कैसे दिखाऊं अवसर मिलने का मैं घर के बाहर लेके खड़ा हो जाता हूं उसको उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है तो मतलब एक एक पेंटिंग बनाने में मुझे देर देर दो दो महीना लग जाता है लेकिन तो फिर मैं उसका दाम भी ना एक्सपेक्ट करूंगा भाई सीधी बात है मुझे फिर अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा भाई उसका मुझे ठीक ठाक दाम तो मिल जाए लेकिन दाम देने के लिए मोहल्ले में कोई तैयारी नहीं है तो भारत सरकार ये बोलती है कि भाई अगर आपके पास में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला अगर आप इतने स्किल्ड हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अवसर मिले तो हम आपके लिए डेढ़ से दो सौ स्क्वायर फीट एरिया जो है ये हम आपको एक स्टॉल लगवा देंगे वहां पर आप पंद्रह से बीस दिन के लिए आप वहां पर आइए और हम आपको अवसर दे रहे हैं कि आप वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करिए वो कुछ भी हो सकती है आपके अंदर स्किल आपके अंदर कुछ खाना एक स्पेशल काइंड ऑफ खाना बनाने का आपके अंदर हुनर है आपके अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डिश हो गई या पेंटिंग हो गई या मान लीजिए स्कल्पचर हो गया इसका बनाने का हुनर है तो आप एयरपोर्ट पे सीधा अपना वेन, आप एयरपोर्ट पे डिस्प्ले कर सकते हैं और ये फ्री है आपके लिए तो ये सरकार की तरफ से प्लान है ये अवसर प्लान समझ गया ना बढ़िया से याद रहेगा कोई डाउट नहीं है ना इसमें परफेक्ट आइए तो अवसर स्कीम हो गई अब देखिएगा अब नीति आयोग ने एक निकाला है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स अब देखो इंडेक्स क्यों निकालता है हम लोगों ने बताइए कल पढ़ा था एक कमीशन होता है जो कि राज्य और कंट्री के बीच में टैक्सेस का विभाजन करता है बताओ कौन सा है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि यार एक कमीशन होता है जो कि कंट्री में राज्य और कंट्री के बीच में टैक्सेस का विभाजन करता है वो कौन सा कमीशन है सारे लोग बताइएगा एवरी वन एवं आंसर फ्रॉम एवरी वन बोलिए हाँ तो क्या जाएगा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ? अरे एक मिनट हाँ ठीक है चलिए तो यहां पर क्या करेंगे आ, यहां पर आ, क्या आ जाएगा भाई ये जैसे फाइनेंस कमीशन है ना तो फाइनेंस कमीशन आपको पता हूं मैं जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है जो 2001 से 2026 2021 से 26 तक है जिसके चेयरमैन श्री एनके सिंह हैं तो उन्होंने अब क्या है फाइनेंस कमीशन को गोल ओरिएंटेड काम बोलो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बोला गया है कि जो स्टेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो आप उसको ज्यादा पैसा दीजिए राइट तो अभी इसीलिए क्या है अब नीति आयोग रैंकिंग निकालता है परफॉर्मेंस की कि भाई जैसे में प्रोत्साहित करें ये काम करने के लिए क्लाइमेट इंडेक्स इन दोनों के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स दोनों चीजों में कौन सबसे बढ़िया कर रहा है तो अभी इन्होंने क्या किया बताओ नीति आयोग हमेशा तीन हिस्सों में रैंकिंग निकालता है बड़े राज्य की एक साथ छोटे राज्य की एक साथ यूनियन टेरिटरी एक साथ तो बड़े राज्य में कौन आया एनी गेसेस एनी गेसेस वेरी वेल हां जी तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में देखिएगा यहां पर आएगा बड़े राज्यों में गुजरात है ओब्वियसली अच्छा यहां बताओ यहां एक पोर्ट है बताओ कौन सा पोर्ट है गुजरात से याद आ गया यहां कौन सा पोर्ट है गुजरात क्या है मोदी जी का लाडला तो लाडला से क्या आ जाएगा कांडला तो कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में ठीक है कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है याद रखना इस, इस बार एग्जाम में भी आ सकता है गुजरात के पोर्ट्स तो गुजरात क्या है मोदी जी का लाडला लाडला से क्या आया कांडला अच्छा गुजरात में और क्या है बहुत सारा पैसा है है ना बहुत सारा पैसा है माने पैसा है रुपया सिक्का है तो सिक्का जो है सिक्का द्वीप ये भी यहीं पर आता है सिक्का पोर्ट जो है ये भी यहीं पर आता है सिक्का क्या होती है एक तरीके की मुद्रा होती है तो मुंद्रा पोर्ट जो है वो भी यहीं पर आता है गुजरात में मुद्रा भी बहुत है तो मुद्रा का मतलब क्या हो गया मुन्द्रा तो मुन्द्रा पोर्ट जो है ये भी गुजरात में आता है ठीक तो हमने क्या देख लिया गुजरात में क्या क्या आता है गुजरात में कांडला पोर्ट आता है गुजरात क्या है मोदी जी ऐसे याद रखो गुजरात क्या है मोदी जी का लाडला तो कांडला तो कांडला पोर्ट भी यहीं हो गया फिर गुजरात में क्या होता है बहुत सारा पैसा सिक्का रुपया बहुत है तो सिक्का पोर्ट हो गया फिर क्या है रुपया ये सब होता है कि ऐसे मुद्रा होती है तो मुद्रा पोर्ट भी यहीं पर आ गया इस तरीके से आप याद रखेंगे है ना शाबाश यार बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है वेरी गुड सबको याद हो रहा है परफेक्ट ब्रिलियंट चलिए तो बड़े राज्यों में गुजरात ने टॉप किया है अच्छा केरला में भी एक पोर्ट है बताओ कौन सा है केरला में भी एक पोर्ट है बताओ कौन सा है केरला में पोर्ट है उसका नाम क्या है कोची पोर्ट पोर्ट भी करा दे रहा हूँ साथ साथ यार स्टैटिक जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिर आता है पंजाब पंजाब में कोई पोर्ट नहीं है तो फिलहाल क्या हुआ बिग स्टेट में ये टॉप थ्री है स्मॉल स्टेट्स में गोवा गोवा में एक पोर्ट है बताओ कौन सा है गोवा में एक पोर्ट है कैसे याद रखोगे सब याद भी कर लो यहीं पर तुरंत ही तो गोवा में एक पोर्ट है पोर्ट का नाम क्या है मोगैम्बो खुश हुआ मोगैम्बो कहां जाके खुश होता है गोवा गोवा जाके खुश हो जाता है 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 माने पोर्ट पोर्ट तो पोर्ट जो है, ये में है। कैसे याद रखेंगे मोगैम्बो खुश हुआ सबने सुना है ना मोगाम्बो क्यों खुश हुआ लेकिन ये किसी ने नहीं सुना है मोगैम्बो खुश होता है गोवा जाके तो हर धार कोई गोवा जाए खुश होता है तो खुशी हुआ गोवा जाके तो मोगैम्बो खुश हुआ गोवा जाके माने क्या हुआ यार मोगैम्बो माने मोरमुगा तो मोरमुगा पोर्ट जो है वो गोवा में है ज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट राइट चलिए तो यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप मारा है बढ़िया बात है नेक्स्ट कहानी करते हैं अब देखिए विटली गोल्ड अवार्ड यार ऑस्कर्स बोलते हैं कहे का वाइल्ड लाइफ का तो ये किसको मिला है एनवायरमेंटलिस्ट है चारू दत्त मिश्रा तो ये जो चारू दत्त मिश्रा है इन्होंने स्नो लेपर्ड को बचाया है पिछले साल भी इन्होंने स्नो लेपर्ड को खूब सारे स्नो लेपर्ड को बचाया था स्नो लेपर्ड एक एंडेंजर्ड प्रजाति है और ये अकेले इनकी टीम है लेकिन ये खुद ही लीड करते हैं और ये स्नो लेपर्ड को पिछले साल भी इनको अवार्ड मिला था एक

चलो एक और चीज पूछी जा सकती है हाँ इंपॉर्टेंट है यहां पर व्हाइटली गोड को क्या बोलते हैं आप ग्रीन ऑस्कर लिख लो इसका एक सिंगल में नाम बोलूं अगर तो इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं विटली गोड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर ठीक अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और भी है रुको पहले भी इनको मिल चुका है हालांकि 2005 में दो दो बार चारूदत्त मिश्रा जीत चुके हैं ये वाला वर्ड अभी बताइए जरा अभी मैं यहां पर था ये किसने निकाला है नीति आयोग ने निकाला है नीति आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है नीति आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है नीति आयोग की स्थापना वर्ष है आता है कौन सा फर्स्ट ऑफ जनवरी ईयर प्लीज फर्स्ट ऑफ जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है ठीक है देखिए हर न्यूज से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजी के हर न्यूज से जुड़ी हुई जैसे पिछले वाले की अगर बात करूं मेघालय वाली तो वहां की स्ट्रेटेजी के उसमें क्या आएगी उसमें नेशनल पार्क आ जाता है नेशनल पार्क कौन सा आ जाएगा जैसे वहां पर बलफक्रम नेशनल पार्क स्ट्रेटेजी के बताई मैंने आपकी इस वाली न्यूज की के बताई मैंने क्या आपको यहां पर ट्री सिटी की इन सब की स्ट्रैटिजी की भी तो थी यार बताया नहीं क्या हम आपको अरे देखो वापस आओ भाई स्ट्राटिजी की भी जरूरी है स्ट्राटिजी की भी जरूरी है चलो मेघालय की बात कर रहा हूँ फिर अभी नीति आग पर आऊंगा क्योंकि दिमाग से उतर गया कि आपको भी तो बताना है तो देखो यहां पर क्या है ये लिविंग रूट्स ब्रिज है ये कहाँ पर होता है मेघालय में तो मेघालय में एक नेशनल पार्क है कौन सा है नेशनल पार्क की अगर बात करूं नेशनल पार्क तो क्या है वो क्या आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं ये आ जाएगा बलफक्रम नेशनल पार्क, पार्क. बल फकर बल फकर बल बादल तो बल से क्या सिनोनिमस किसके बल माने माने बादल बादल माने क्या हुआ मेघ तो कहां पर होगा नेशनल पार्क कहां होगा मेघालय में होगा याद रहेगा सबको बल माने बल बादल तो ये क्या हो गया ये हो गया हमारे पास में बलफक्रम फिर समझो अब यार वहां पर इतनी बारिश हो रही इतनी बारिश हो रही इतनी बारिश हो रही है वहां पर कि वहां पर क्या है एक भी नौकर आने को नहीं तैयार है एक भी नौकर आने को तैयार है माने नो नौ नौकर माने नौकर एक एक ही नौकर था वो भी आने को नहीं तैयार है तो नौकर एक माने नौकरेक नेशनल पार्क भी वहीं पर है इतनी बारिश हो रही है इतनी बारिश हो रही है कि वहां पर कोई नौकर आने को ही नहीं तैयार है एक नौकर था वो भी नहीं आने को कोई आने, नौकर नहीं आया सिर्फ एक नौकर आया तो क्या हो गया नौकरेक तो नौकरेक नेशनल पार्क जो है ये भी यहीं पर स्थित है मेघालय में अगर एग्जामिनर पूछेगा ना तो इसके बाहर पूछेगा ही नहीं मेघालय का नेशनल पार्क में सिर्फ इन दो से पूछेगा बलफकरम पूछेगा नौकरेक पूछेगा याद हो गया सबको अभी तुरंत सबको याद हुआ आई वंट दैट सबको एक साथ में याद होना चाहिए ठीक है शाबाश बढ़िया शाह बाश बढ़िया See, it's not important, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता याद करना इंपॉर्टेंट होता है साहब आपको क्लास के अंदर ही याद कर लो तो तो फिर फायदा है घंटा भर दे रहे हो भाई टाइम इज सुपर प्रेशियस बीरबल बोल के गए थे भाई अकबर ने पूछा था क्या चाहिए बोले कुछ बोले सबसे सब मूल्यवान चीज बताओ हीरा उठा ला हीरा वीरा कुछ नहीं समय समय को समझ लिया अगर आपने और लकी हो लकी है लकी लकी होने का मतलब जानते हैं क्या होता है आपने कई बार सुना यार वो तो बहुत लकी था लकी होने का मतलब भी मतलब लकी है, पार जा रही है। महीने भर पहले वाली नोटिफिकेशन हम लोग की बात हुई थी इसमें दल्डी वाइज की यार ये पैतीस हजार पार जाएगी और अभी आप देख रहे हैं कि इस बार के सीजीएल में जो वैकेंसी है थर्टी क्रॉस हो रही है तो क्या हुआ आप सही समय पर हो सकता है कुछ लोगों ने क्या किया हो दो तीन साल तैयारी करी हो पिछले ही साल तैयारी से फेटा के छोड़ दिया हो कुछ लोगों ने अभी ही तैयारी करी हो और अभी क्या होगा इस पिछले बार तक जिस पोस्ट पे ऑडिटर मिलता था या ऑडिटर वगैरह मिलता था ना इस बार इस, इस बार उतने नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा क्या है आप सही समय पर सही कार्य कर रहे थे आप बस लकी हो जाएंगे अगले जब आपको बोला अरे आप तो लकी थे यार कि आपके वहां पे इतनी इतनी वैकेंसी आई थी लकी होने का मतलब क्या है सही समय पर सही जगह होना कोई लकी बोलते हैं और लकी कुछ नहीं होता तो माने समय इज द रूट थिंग भाई चलो आगे बढ़ जाते हैं तमिल की बात करते हैं जीआई आई टैक की बात कर रहे हैं तो तमिल में एक नीलगिरी हिल के ऊपर एक प्रजाति रहती है ट्राइब रहता है बताओ कौन सा है वो एक प्रजाति रहती है यहां पर और ये बताओ कि वो प्रजाति का नाम क्या है वो प्रजाति रहती है और वो भी उसकी वो एम्ब्रॉयडरी करती है वो एम्ब्रॉयडरी करती है वो प्रजाति और वहां पर क्या है उस एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है उसका नाम है टोडा तो टोडा ट्राइब जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर रहता है और उसको भी जी टैग मिला हुआ है ठीक चलो आगे आ जाते हैं यार यहां पर फिर ट्री सिटी ऑफ दर्ल्ड पर आ जाते हैं ट्री सिटी में चलिए बताई चुके हैं ट्री सिटी में ऐसा कोई खासा आपके पास इंपॉर्टेंट चीज नहीं आएगी और पता नहीं क्यों मैं बार बार नीति आयोग को जंप कर दिया क्या हमने फिर से नहीं नीति आयोग अभी है ना हाँ ठीक है नीति आयोग मुझे लगा नीति आयोग जो है वो जंप हो गया चलिए ये हो गया आप ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड चलिए ये तो ठीक है ये हैदराबाद और ये आ जाएगा दैट इज फाइन ये तो सही है इसमें कोई खासा ऐसी चीज नहीं है अब आते हैं यहां पर स्टेट हाँ अब नीति आयोग आ गए तो नीति आयोग की अगर मैं बात करूंगा तो नीति आयोग में सबसे पहले बात आती है कब इसका गठन हुआ एक जनवरी दो इसके चेयरमैन का नाम क्या है हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग बोलो सारे लोग बताएंगे चेयरमैन क्या है नीति आयोग का चेयरमैन ऑफ नीति आयोग का नाम होता है हमेशा प्रधानमंत्री माने प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज द एक्स चेयरमैन ऑफ नीति आयोग माने हमेशा ही यही ही चेयरमैन होंगे नीति आयोग के ठीक है फिर नेक्स्ट कहानी के ऊपर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नेक्स्ट कहानी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे इसके वाइस चेयरमैन का नाम क्या है इसके वाइस चेयरमैन का नाम क्या है वाइस चेयरमैन का नाम क्या है मिस्टर सुमन बेरी और इसके सीईओ का नाम क्या है इज़ द नेम ऑफ़ ऑफ़ सीईओ सीईओ नीति आयोग? का नाम है परमेश्वरन अय्यर इस बार सारे बदले इस बार हंड्रेड परसेंट बाजारों नीति आयोग से सवाल आएगा तो परमेश्वरम अय्यर सीईओ का नाम है वाइस चेयरमैन का नाम है मिस्टर सुमन बेरी चेयरमैन का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल नेक्स्ट कर ऊपर आएंगे हम लोग विटली गोल्ड अवार्ड हम लोगों ने देख लिया इसको क्या बोलते हैं इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है ये भी समझ गए हैं सरस्वती सम्मान देखिए ये कैसे याद करेंगे देखिए एक चीज समझिए सरस्वती देवी का नाम होता है है ना तो ये मिलेगा भी किसको किसी भगवान को ही मिलेगा तो यहां पर क्या है यहां नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है राम लिखा हुआ है ना जो राम को अपना आदर्श माने वो रामदर्श हो गया जो राम को अपना आदर्श माने जो भगवान को अपना आदर्श माने वही हो गया रामदर्श हो गया तो किस सरस्वती देवी का नाम है तो मिलेगा भी किसी भगवान को ही तो ऐसे याद रखेंगे कि नाम क्या हो गया आंसर बताइए सब लोग मैं छुपा ले

तो मैं तो यहां हूं के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है 2022 में सरस्वती किसको मिलेगा किसी ना किसी भगवान को ही मिलेगा भाई गॉडेस का नाम है तो क्या हो गया आंसर आ गया हमारे पास में क्या रामदर्श मिश्रा एक और सवाल यहां से बनता है बड़ा अच्छा सा एक और सवाल यह बनता है कि बताओ कौन सी फाउंडेशन देती है देखिए एक लोग खूब कंफ्यूज होते हैं लोग ज्ञानपीठ अवार्ड नाम मात कर देते हैं लोग कुछ कुछ व्यास सम्मान मात कर देते हैं सुनो कैसे याद रखोगे देखो आपने सुना होगा जहां सरस्वती विराजती है वहीं लक्ष्मी विराजती है राइट जहाँ सरस्वती विराजती हैं, वही लक्ष्मी विराजती है जहां ज्ञान होता है वही वही धन धान्य होता है वही धन धान्य होता है तो अभी क्या है, है।, है। जहां ज्ञान होता है वहीं <laughs> वहीं ये भी होता है खैर तो अभी क्या हुआ कि इसको ऐसे याद रखो जहां सरस्वती विराजती हैं वहीं लक्ष्मी विराजती हैं माने और जहां लक्ष्मी विराजती है वहां पैसा विराजता है माने समझना जहां सरस्वती विराजती है वहां लक्ष्मी विराजती है वहीं पैसा विराजता है तो इसका मतलब इट इज सेफ टू से कि जहां सरस्वती विराजती है वहां पैसा विराजता है बोलो सही बात है कि नहीं सही है सही है ना भाई ए ए इज़ बहुत पैसे वाला फाउंडेशन देता होगा पैसे वाला फाउंडेशन इंडिया में कौन सा है बिरला बोल ना टाटाज बिरलास बहुत पैसे वाले हैं तो सरस्वती सम्मान कौन देगा बिरलास देंगे तो के के बिरला फाउंडेशन जो है ये सरस्वती सम्मान देती है बोलो क्लियर है एकदम बढ़िया से शाबाश यार इस nice, बहुत अच्छी बात है एकदम बढ़िया से याद हो गया सबको नाइस nice. सर किस मंथ का सीए है यह ये? दोस्त अप्रैल ये 2022 का है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हम लोग क्या कर रहे हैं ये अप्रैल 2022 का है एक्चुअल में हम लोग छे छह प्लस छह प्लस बारह कर रहे हैं माने पहले अप्रैल से अक्टूबर फिर उसके पीछे के छह महीने फिर उसके बारह उसके पीछे के बारह महीने इस तरीके से तो कुल मिला किस मेंशन में 18 में नहीं लगभग लगभग हमारा ये बारह सेशन में हमारा ये जाएगा पूरा जो है 12 से 14 सेशंस में पूरा दो साल का करंट फिर जाएगा एक साल का

चेक कर लीजिएगा अगर ओपन होगा तो ले सकते हैं आज रात में क्लोज होएगा वो चलो देखो अच्छा तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये क्या होता है यार लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड देखिए अभी हम जानते हैं कि जो हमारी स्वर कोकिला थी यानी लता मंगेशकर जी वो उनका देहांत हो गया कोविड के कारण से फरवरी में एडमिट थी अप्रैल में फिर उनका देहांत भी हो गया उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी डेढ़ दो महीने से तो अब उनके नाम पर और उनके फादर के नाम पर दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर जी के फादर का नाम था तो लता दीनानाथ मंगेशकर ये एक अवार्ड की स्थापना करी गई इसी साल और इस साल अगर आप इतना बड़ा अवार्ड स्थापित कर रहे हैं तो आप सबसे पहले किसी बड़े व्यक्ति को देंगे वो अवार्ड तो इसीलिए वो अवार्ड किसको दिया गया सबसे बड़ा व्यक्ति भारत में कौन है मोदी जी तो मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड तो ये हंड्रेड ये सवाल आपके एग्जाम में हंड्रेड आएगा मैं फिर कह रहा हूं जिस चीज को हम आप आपसे ये कहेंगे ना हंड्रेड आप लिख के ले लीजिए कि वो आता ही आता है आता ही आता है वो कल ही हम लोग सुबह सुबह बात कर रहे थे ना क्यूएचपीवी वैक्सीन परसों भी बात करी थी हम लोगों ने कल

अपन दोनों लोग सही कर रहे हैं तो दीनाराथ मंगेशकर अवार्ड आ गया ये अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं अच्छा बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड यार स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड का मतलब आप समझ रहे हैं बीबीसी का एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है uh, तो अभी क्या है ये जो टॉप स्पोर्ट्स वुमेन है इनको अवार्ड देती है तो अभी भारत से किसको किसको दिया है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला साइकम मीराबाई चानू को ये एक कोर है मीराबाई चानू और फिर कौन है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड शेफाली वर्मा को यह इंडियन फीमेल क्रिकेटर है और इसके बाद करना मालेश्वरी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया हुआ है यह आया है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड इन तीन को दिया गया है करना मालेश्वर

भारतवर्ष में जब मैं भारतवर्ष बोलता हूं तो वो भारत नहीं है अफगानिस्तान भी भारत था पाकिस्तान भी भारत था ईरान भी भारत था, और मल्ल युद्ध होता था वो आपका महाबलीपुरम में होता था इसीलिए उसका नाम महाबलीपुरम पड़ा है उसका पहले नाम ममल्लपुरम था उसका तो अभी क्या है यह मतलब पावर से रिलेटेड है पावर से रिलेटेड माने पावर लिफ्टिंग में है ये पावर लिफ्टिंग में है इन्वॉल्व है ये

इसमें कहां से एनालिसिस निकालने लगे कोई मतलब ही नहीं है इसमें एनालिसिस तो निकालेगा इंग्लैंड जो है वो हार गया है ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है सिंपल सी बात है अब हां ये आपसे पूछेगा बताओ भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द मैच इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ भाई कौन कौन है प्लेयर ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ मैच ये सब कौन कौन है तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन आएगी एलिसा हेली ये प्लेयर ऑफ द मैच भी है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हीं को बोला गया है कहां पर हो रहा था न्यूजीलैंड में हो रहा था न्यूजीलैंड कहां है ऑस्ट्रेलिया के बाजू में छोटा सा द्वीप कंट्री है आइलैंड कंट्री है छोटा सा ये और मस्त चीज है। गली क्रिकेट खेलते हैं ना अब आप वर्ल्ड कप हो खेलेंगे तो गली क्रिकेट वाले लोगों का वर्ल्ड कप होगा इंडिया होस्ट करेगा वो तो इसके पहले लंडन में होस्ट हुआ था तो इन 2023 इंडिया जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट यानी जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं वो लोग जो स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब जो सड़क पे बच्चे घूमता है ना वो तो वो लोग अब क्या होता है उनके लिए भी यार देखिए कितना अच्छा है एनर्जी को चैनलाइज करने का ऑप्शन कितना अच्छा है तो वो भी क्या करेंगे उनके लिए भी भारत क्या कर रहा है ऑर्गेनाइज करा रहा है ये क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा रहा है पिछली बार लंडन में हुआ था यह स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट लंडन में हुआ था इस बार भारत में हो रहा है दो में ये वर्ल्ड कप होगा

तो पहले अमिताभ कांत जी को बनना था लेकिन फिर शिंगला जी को बना दिया गया हर्षवर्धन शिंगला इनको जी ट्वेंटी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है नेक्स्ट कहानी के ऊपर आएंगे नाम देख लीजिए डॉक्टर एस राजू ये या आपको याद करने होंगे जीएसआई के डायरेक्टर होगा ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विजय संपला कौन है ये नेशनल कमीशन ऑफ एस सी के चेयरमैन है ये नेशनल कमीशन ऑफ एस सी इसको एटी थर्ड अमेंडमेंट में इसको हटा करके नेशनल कमीशन ऑफ एस एंड नेशनल कमीशन ऑफ एस इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था यहां पर अजय कुमार सूद कौन है यह प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है और बस इतना ही देखना है फिर कुछ इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है ये हम सब लोग जानते हैं इसी दिन डब्ल्यू एच ओ का स्थापना हुई थी इसीलिए हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं फिर इसके बाद क्या है वर्ल्ड हेरिटेज डे कि यार दुनिया में जिसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज देता है ना तो वो प्रमोट करता है कि भाई जितनी भी आपकी कला है जो बहुत पुरानी पुरानी उसको बचा के रखिए तो अट्ठारह अप्रैल को वो मैसेज देता है फिर आते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे ये भी ठीक है वर्ल्ड अर्थ डे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइस अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे होता है हमारा ये इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट जो सबसे है उसके ऊपर मैं गोला कर दे रहा हूं वैसे तो सारे हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो उनके ऊपर गोला कर दे रहा हूं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये आ जाता है छब्बीस अप्रैल को तो हमारे पास छब्बीस अप्रैल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये आपको दो तीन बार देखोगे तो याद हो जाएगा और वर्ल्ड अर्थ डे बाईस अप्रैल को क्योंकि देश में याद करने का ऐसा कोई ट्रिक नहीं आप याद रखिए क्योंकि बहुत सारे होते हैं पता चला ट्रिक याद रखने के लिए कोई ट्रिक याद रखनी पड़ती है तो कंफ्यूजन हो जाता है क्या मतलब बनता है जिनकी थीम लिखी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उन्हीं की थीम याद करनी उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है ठीक है एंड दैट राइए रैपिड फायर करते हैं दैट द थ्योरी पोर्शन अब हम लोग क्या करेंगे चलो तो यहां पर आते हैं बताइए अब देखते हैं हम लोगों ने कितना पढ़ा पूरा रिवाइज करते हैं देखते हैं हम लोग कितना एक्चुअल में ज्ञान हम लोगों को आया है अब आता है मेन मजेदार चीज आती है रैपिड फायर आर ओन फेवरेट चलिए शुरू करें तो शुरू करते हैं बताइएगा भाई कौन से राज्य में सबसे पहले इथेनॉल प्लांट कहां आ रहा है भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहां पर आ रहा है और किस जगह पर आ रहा है आप राज्य तो बताएंगे साथ में मुझे शहर भी बताओ कि किस शहर में आ रहा है ये बोलिए सारे लोग बोलिएगा हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया यार शाबाश तो आंसर क्या आ जाएगा, जाएगा हमारे पास में ये पूरा नया प्लांट है माने पूर्णिया बिहार में हो रहा है वरुण जो है वरुण ट्वेंटी ट्वेंटी में शाट में क्या हो जाता है तो वरुण 2020 ट्वेंटी ये कौन से कंट्री के बीच में हो रही है वरुण 2020 ट्वेंटी एक्सरसाइज है ये कौन से कंट्री के बीच में, में हो रही है यार ये हो रही है फ्रांस ओशन में फंस गए माने फ्रांस हो गया ये तो वरुण गरुण ये सब फ्रांस के साथ में होती है और भी जो एक्सरसाइज होती है वो ख्या देख लेंगे अभी कौनसे प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन मरीन आई एन जो है इसको बिल्ड किया गया है कौन से प्रोजेक्ट के तहत INS वागशीर इसको बिल्ड किया गया है तो INS वागशीर जो है इसको बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट का नाम बताइए प्रोजेक्ट 75 तो प्रोजेक्ट 75 नाम है जिसमें माजगांव डॉक लिमिटेड प्रोजेक्ट 75 जिसमें माजगांव डॉक लिमिटेड यह है

यहां पे दो लोगों के नाम आते हैं एक कैप्टन विक्रम बत्रा और एक कौन है हमारे मनोज पांडे साहब तो आंसर क्या आ जाएगा मनोज पांडे साहब हो गए ठीक है कौन से रेज आ, स्टेट में साइक्लोपियन वॉल लोकेटेड है एवरीवन प्लीज आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन मेरे को आंसर सबसे चाहिए होते हैं बस एक ये चीज है यार कौन से राज्य में गला गया कौन से राज्य में हमारे पास ये साइक्लोपियन वॉल आई, आई है हमारी बिहार में, बिहार में में साइक्लोपियन आती है 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 यहां पर लिविंग रूट ब्रिज जो है, ये किस राज्य बनाई गई पोटेंशियल लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए ये किस राज्य में बनाया गया है इसको कौन सा राज्य होगा जहां रूट इतनी बड़ी बड़ी होंगी रूट वहीं बड़ी बड़ी होंगी जहां खूब सारी वर्षा होती होगी आंसर प्लीज एवरी सारे लोग बोलो देखो किस बात की हिच, हिचक है आराम से दीजिए मेरे को हजार के हजार के आंसर चाहिए ठीक है मेरे को सारे लोगों के आंसर चाहिए हजार लोग के तो हजार के आंसर चाहिए मेरे को तो आंसर क्या आ जाएगा लिविंग रूट ब्रिज जो है यार वो किस उसमें आया है यार ये साहब मेघालय में आता है ठीक है दिस कम्स इन मेघालय ये आता है हमारा मेघालय मेघों का आलय नरसिमपेट्टी नागेश्वरम यह क्या है नाग स्वरम यह क्या है नरसिंहपेटी नागेश्वरम इसका आंसर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बोट है ये, है है? ये, है, ये है, फेस्टिवल है या फेयर है ये ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है 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 बोट फेस्टिवल या फेयर है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कहां को बिलोंग करता है किस राज्य को बिलोंग करता है इसको अभी भी जी टैग दिया गया है ये किस राज्य को बिलोंग करता है शाबाश कौन सा राज्य आ जाएगा बहुत बढ़िया ये राज्य आता है तमिलनाडु को बिलोंग करता है बहुत बढ़िया कौन से दो शहर हैं जिनको ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है जिनको इस बार ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड 2021 का यह ध्यान रखना ये 2021 वन का अवार्ड अवार है जो अभी दिए जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड भाई ये आ जाता है हमारे पास में हैदराबाद आएगा सो so दिस इज हैदराबाद और हैदराबाद के साथ साथ मुंबई सो हैदराबाद एंड मुंबई दे आर कॉल्ड एज दी सिटीज ऑफ वर्ल्ड ये हमारे पास आंसर हो गए ठीक है नेक्स्ट कहानी आते हैं आ, अब बात आती है इसमें से वो कौन सा शहर है जिसको दो बारी आ, मिला है इसमें वो कौन सा शहर है जिसको दो बारी ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड का अवार्ड मिला है अब बताओ इसमें से वो कौन सा शहर है जिसको दो बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का अवार्ड मिला है दो बार अवार्ड मिलने का श्रेय किसको जाएगा ये श्रेय जाता है हैदराबाद को नॉन अदरदान बट हैदराबाद सी स्कीम लॉन्च करी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो बढ़िया काबिल हैं उनको मेरे पास आता है इसका अवसर स्कीम है, है? अवसर स्कीम है ठीक नेक्स्ट कौन सा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सारे लोग आंसर दो मजा आएगा उसी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है शाबाश यार स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है है इसको रिलीज करा जाता नीति आयोग द्वारा नीति आयोग क्या करता है इस इंडेक्स को रिलीज करता है फिर ग्रीन ऑस्कार किसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर किसको बोलते हैं पहला वर्ड बता दो इसका चलेगा पहला वर्ड बता दो चल जाएगा आप मेरे को सिर्फ पहला वर्ड बता दीजिए और उतना ही काफी है ग्रीन ऑस्कर किसको बोलेंगे पहला वर्ड डब्लू से है अब बताओ मैंने आपको इतनी भी हेल्प कर दी है पहला वर्ड से आ रहा है शाबाश विटली विटली अवार्ड को बोलते हैं बहुत बढ़िया यार विटली अवार्ड को बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर बहुत अच्छी बात है चलिए विटली अवार्ड होगा ये विटली विटली ग्रीन नेक्स्ट कहानी किसको ऑनर किया गया पहला लता दीनानाश मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अभी किसको दिया गया है हमने ये अवार्ड दिया है माननीय हमारे कौन प्रधानमंत्री जी तो कौन है ये भाई मोदी जी मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है नाउ कौन सी टीम ने आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल अभी हमने ये न्यूज पढ़ी तो इसमें हमने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गई है किस कंट्री से जीती है कौन जीता ऑस्ट्रेलिया किस कंट्री से जीता है ये जीते हैं किस कंट्री से इंग्लैंड को हरा करके ये जीते हैं प्रेजेंट चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का हाँ एनसी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है यहां पर कौन आ जाएगा ये आ जाएंगे मिस्टर विजय संपला तो मिस्टर विजय संपला जाएंगे प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ दिस वन स्केड्यूल कास्ट फिर अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के उस पर कौन आया है देखिए दो ही एडवाइजर्स हैं जो भी आ, अच्छा काम लिया एक सोनू सूद और दूसरे कौन कैसे याद रखेंगे ऐसे सोनू सूद और अजय कुमार सूद तो सोनू सूद तो उधर चले गए अपना सोशल वर्क में एडवाइजर और इधर कौन आ गए अजय कुमार सूद तो ए के सूद यानी अजय कुमार सूद अजय कुमार सूद फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे कब हम मनाते हैं किस दिन हम दुनिया को बताते हैं कि भाई हेरिटेज बताना भी बना, बचाना भी बहुत जरूरी है तो हम इसको आएंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे कहां पर आ जाएगा कौन से अप्रैल में होता है ये अप्रैल की एक डेट में होता है कौन सा अप्रैल है ये तो ये आता है आपका एटीनथ ऑफ अप्रैल को हम बोलते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे है ठीक एटीनथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अपन सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते हैं इन ईयर वी इट ऑन बेसिकली एवरी कॉपी राइट ऑफ अप्रैल कैसे याद रखेंगे अरे दो तीन किताबें हमारे पास भी हैं अरे दो तीन किताबें हमारे पास भी हैं तो दो तीन ट्वेंटी थर्ड पर आ गया इंटरनेशनल डांस डे नृत्य दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल डांस डे कब आएगा चलिए ठीक है शाबाश यार बहुत बढ़िया बात है नृत्य दिवस अब खत्म होते होते क्या करते हैं किसी भी प्रोग्राम का एंड करते हैं तो नृत्य करके एंड करते हैं तो अप्रैल एंड होने वाला है तीस तारीख को तो उन्तीस तारीख को नृत्य करके एंड करेंगे तो उन्तीस अप्रैल को क्या होता है हम लोग इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट करते हैं सारी बात समझ आ गई बहुत बढ़िया से चलिए अब आप ये बताइए आप में से कितने लोग क्या करते हैं इसका प्रिंट आउट निकालते हैं आप में से कितने लोग इसका प्रिंट आउट निकालते हैं पूरा जो भी हम आपको न्यूज देते हैं इसका आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं इसका जो ये जो पीडीएफ है ये तो आपके पास आ जाएगी ये जो है ये आपके पास आ जाएगी हाउ मेनी ऑफ यू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस और उसके बाद इसको प्रिंट करवाते हो बहुत सारे लर्नर्स को मैंने ये देखा हुआ है कि वो न्यूज का प्रिंट आउट निकालते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट कराते हैं सो सोहेयर आप लोग क्या करेंगे सब लोग कितने लोग करते हैं ये काम अच्छा ठीक है, अरे नहीं प्रिंट आउट मत निकाला करिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है या तो नोट्स बना लीजिए नोट्स बना लीजिए या फिर अब आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सी चीज आ रही है वो क्या है जरा इसको देखेंगे अगर मान लीजिए आई एम लॉन्चिंग दिस थिंग ये पहले ऑफलाइन आने वाली थी इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दिस इज द मैगजीन ये मंथली मंथली लैब टर मैगजीन हैं ये ये पहले ऑफलाइन आने वाली थी बट देन ऑफलाइन में मामला ये फंसा कि पब्लिशर के संग अपना कुछ पंगा बैठा नहीं मामला बैठा नहीं क्योंकि द कॉस्ट विच पब्लिशर्स फॉर कोटिंग कि यार कम पे नहीं निकालेंगे सर पेज कॉस्ट नहीं आएगी वो काफी ज्यादा लग रही थी मेरे को कि अगर एक मैगजीन साल भर की मैगजीन एक सिंगल मैगजीन वॉज बिंग कोटेड कि सर इसको हंड्रेड पे रखेंगे हंड्रेड से कम नहीं रख सकते तो इसीलिए उनके संग मंगा मामला बना नहीं तो इसीलिए अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही ये रिलीज हो रही है और ये इसमें हर न्यूज के साथ जो स्टैटिक होती है जैसे यहां पर जो तो न्यूज आ गई न्यूज के बाद में जैसे ये न्यूज आ गई ये इस तरीके से है पूरी मैगजीन है ये अब न्यूज के बाद जो स्टैटिक जीके है स्टैटिक जीके में क्या हो गया और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जाइमेक्स होता है ये स्टैटिक जीके वो है जो अब और भी जो आसपास की न्यूज थी

डोंट वॉन्ट टू मेक इट आई दिस वन आई आई जस्ट वन की यार ऐसा हो कि हम इसको पूरा ईयरली मैगजीन मतलब सारे के सारे मैगजीन जो है आई स्टिल आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट दाइनल प्राइस पॉइंट हम इसके ऊपर ड्राइव आउट ही नहीं कर पाए हैं क्या रखा जाए आप बताइए इस बार ऐसा इस बार प्रोडक्ट ऐसा कि प्राइसिंग आपकी आप, आप बताइए कि वॉट शुड बी द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस प्रोडक्ट आई रियली वॉन्ट मेक इट वेरी वेरी अफोर्डेबल कि एवरी हर महीने का एवरी मंथ्स जो मैगजीन है पूरी मैगजीन डिटेल्ड जिसमें स्टैटिक जीके का जो न्यूज रिलेटेड जो स्टैटिक जीके वो भी रहेगी तो हर महीने की मैगजीन जो है आई क्लब इट माने 12 के 12 महीने की मैगजीन एक महीने की बताओ कितने पे होना चाहिए वन मंथ जो होना चाहिए ट्वेंटी रुपीज फिफ्टी रुपीज ऑल राइट ट्वेंटी रुपीज फिफ्टी रुपीज थर्टी रुपीज जो ऐसा बताओ मतलब जो आपको मनो मेरे को फ्रेंकली बताओ 150 बहुत हो जाएगा मैंने उनको सौ में मना किया तो 150 क्यों करूंगा 10 21 ₹10 रुपीज, ₹21 डन 21 मान लीजिए अगर एक महीने का है तो 12 महीने का लेकिन कितना हो गया बहुत महंगा हो जाएगा भाई तो 12 महीने का क्योंकि ये कंबाइंड पैक आ ये हो गया 250 एप्रोक्स एप्रोक्स 250 एप्रोक्स हो जाएगा है ना व्हाट इफ for all 12 months what if we make it one half इफ वी हाफ इट वट इफ हम इसको हाफ करते हैं और सारे बारह महीने की मैगजीन मतलब धीमे धीमे आती रहेगी पूरे पूरे pure महीने की मैगजीन वन ट्वेंटी फाइव में हो तो कैसा रहेगा Will it be good? ऐसे तो I फिफ्टी want to make it ऐसा हो कि यार ये इतना अफोर्डेबल हो कि मतलब कि किसी भी कोई भी व्यक्ति इसको आराम से ले पाए कोई भी व्यक्ति क्योंकि ये इतना क्वालिटी कॉन्टेंट होता है कि हर एक के पास तक पहुंच पाई है ज्यादा है और कम करें पक्का लेट्स डू इट इवन अच्छा आप तो, आप तो रहे नहीं ज्यादा है लेट्स मेक इट इवन लो हाउ अबाउट ब्रिंगिंग इट बिलो हंड्रेड हाउ अबाउट ब्रिंगिंग इट बिलो हंड्रेड हंड्रेड से कम ले आया जाए इसको तो सही रहेगा ठीक है, है? पोटेटो फ्री अरे आलू फ्री नहीं दे रहे साथ में लेट्स प्राइस इट एट नाइनटी नाइन फॉर ऑल द मंथ चलेगा ना चलेगा आई रियली टू आस्क ऑल ऑफ यू इट विल बी कोर्स कोर्स का मतलब विल बी अ मैगजीन कोर्स जिसका प्राइस पॉइंट अपन रखेंगे एंड uh, मतलब बस यार इतना आना चाहिए ना कि अपने गुड uh, uh, कॉस्ट तो अभी देखिए आप फ्री मत मांगिए फ्री हमारे वहां कुछ नहीं होगा क्योंकि सीधी बात है भाई फ्री दुनिया में कुछ होता है नहीं वी इनकर ह्यूज कॉस्ट बिल्डिंग देम आप खैर बहुत अच्छी ऑडियंस है आप मांगते भी नहीं कभी भी फ्री आप बोलते भी नहीं कभी भी नहीं, कभी नहीं बोलते आप वी इट शुड बी दर मिशन ऑफ ईच वन ऑफ देम टू मेक इट वेरी वेरी अफोर्डेबल तो इसको ऐसा करते हैं नाइनटी नाइन में सारा बारह महीने की मैगजीन होगी बट दिन इवेंचुअली आएगी ऐसा नहीं कि सारे हमने दो साल की मैगजीन हम के बैठे हुए नहीं. और ऐसा क्यों ना करें वाई वन ईयर वाई नॉट टू ईयर ऐसा क्यों ना करें वाई नॉट टू ईयर इसमें सीधा सीधा दो साल की मैगजीन क्यों ना दे दी जाए This is good. जब दो साल के करंट अफेयर हो रहे हैं तो दो साल की मैगजीन क्यों ना हो डन तो टू ईयर करंट अफेयर मैग्जीन विन है ठीक है चलो कुल cool. अच्छा एक छोटी सी चीज मेरी अब एक और मेरे दिमाग में आ रही है करूं क्या वाई नॉट टू और नीचे नहीं आ रहा है और नीचे नहीं आ रहा भाई फिर <laughs> पता चला ऑफिस कुर्सियां बेचनी पड़ जा रही है इसकी कॉस्ट निकालने के लिए और नीचे नहीं आ रहा है अच्छा वट इफ वी डू वन थिंग वी एड फोर्टी रुपीज और फिफ्टी रुपीज मोर आई डोट नो प्राइस अभी हमने डिसाइड नहीं किया है एंड हर एक मैगजीन के साथ में एक पूरी टेस्ट सीरीज भी हो जाए करंट अफेयर्स की पूरी टेस्ट सीरीज इन फिफ्टी रुपीज

ये सपोर्ट का नंबर है अब लॉन्च हो जाएगा अब या परेशान मत मतलब जाएगा जब लॉन्च होगा तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा इसके बारे में ठीक है ये Will be doing it for sure. Done. See, if, हमेशा ऐसे ही, ही करते हैं आप, करो कि किस में आप हो. सिर्फ अपना मत सोचो ऐसा सोचो कि यार जो समाज में हर व्यक्ति है ना जो एक एवरेज लिविंग का भी व्यक्ति है वो भी कैसे उस चीज का लाभ उठा सकता है कि उसको भी कोई परेशानी ना हो क्योंकि देखो सीधी सी बात है मतलब ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा दूरी तक फैल पाए तो बाकी ये कि बाकी तो धीमे धीमे सीधे सब धीरे धीरे फर्म्स धीमे धीमे बड़ी होंगी धीमे हम लोग भी बड़े होंगे धीमे धीमे हमारा फर्म्स का साइज बड़ा होगा हमारा ऑडियंस का साइज बड़ा होगा आप लोग और ज्यादा आएंगे तो धीमे बाकी सब रिटर्न्य प्राइस पॉइंट तो आप बैलेंस हो ही जाएगा आगे चल के कभी ना कभी बट देन आई गेस दिस इज गुड तो इसी को फिक्स करते हैं ठीक है चलिए तो फिर यार ये आज लॉन्च हो जाएगा इसका लॉन्च आज शाम को पांच बजे आपको उस पर दिखने लगेगा अभी लॉन्च नहीं है ये इवनिंग टुडे इवनिंग फाइव पी पे ये लॉन्च होगा ठीक है इनोगुरल ऑफर के साथ में ये इनगर ऑफर ही है आपका ये इनग्यूरल ऑफर के साथ में आज लॉन्च हो जाएगा ठीक है और क्यों ना इसमें एक और चलो आप सरप्राइज एलिमेंट है अब एक और एलिमेंट ऐड करूंगा मैं इसमें वो मेरे ऊपर छोड़ दो अब मैं इसमें इसी प्राइस पॉइंट में ना मैं इसमें एक और सरप्राइज एलिमेंट एड करूंगा ठीक है है अब वो वो आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट वहीं पर देखिएगा इसमें एक और नई चीज होगी और वो क्या नया है एक गारंटी देता छोड़ता हूं आज शाम को पांच बजे एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी लैब जो मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन उसके ऊपर आज लॉन्च हो जाएगा ये ठीक सर... है जी क्लियर है एकदम बढ़िया कूल चलिए परफेक्ट ठीक और चलते हैं अब हम लोग और एक और बात एक और खुशखबरी आपके लिए यह भी है कि आज ही आप लोगों से बहुत सारे लर्नर्स कह है सर पॉलिटी वाले सेशन वापस ले आओ सर क्वांस वाले लैब क्वांस भी करा देता तो कितना अच्छा होता अभी कोई कह रहा था सर सल इतना अच्छा कराता है सब कुछ क्वांस भी करा देता आकाश जानते हैं इस सेशन को ना हर व्यक्ति करना आपकी आंखें खुल जाएंगी जैसे आपको जीएस की स्ट्रेटजी में आपकी आंखें खुली थी ना कि ये भगवान हम कर क्या रहे थे इतने टाइम से ये आज साढ़े दस बजे आज साढ़े दस बजे ये सेशन है इसमें क्या करेंगे मैं आपको बता दूं इसका समरी बता दे रहा हूं पेपर में जैसे क्या होता है ना जैसे हम लोग क्या करते हैं रेशन प्रपोर्शन हैेशन प्रपोर्शन में वैसे तो पंद्रह तरीके पंद्रह टाइप्स होती हैं और हर एक तीन वैरायटी पैतालीस तरह के सवाल होते हैं लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले पांच सालों में सिर्फ छह वराइटी के क्वेश्चन पूछे गए तो पैतालीस वैरायटी होती है सवालों की रेशियन प्रपोर्शन में लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ और सिर्फ छह वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए तो क्योंकि यही छह वैरायटी पिछले पांच साल से आ रही है तो सबसे ज्यादा अकलमंदी क्या होगी मैं वही छह वैरायटी के क्वेश्चन सबसे पहले करूं क्योंकि मेरे सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा उसी से क्योंकि पिछले पांच साल से उन्हीं छह वैरायटी में से बार बार सवाल आ रहे हैं यस yes. तो दिस प्रोग्राम वी आर लॉन्चिंग टुडे एट एम जिसमें साठ दिन में आपको पूरा क्वॉन इंग्लिश रीजनिंग से टॉपिक लिस्ट आपको पहले ही दे दी जाएंगे और दिखा करके कि अब देखो ये 45 हैं, 30 हैं और इसमें से सिर्फ ये आठ टाइप हैं जिनसे सवाल पूछे गए सिर्फ ये पांच टाइप हैं जिनसे सवाल हो गए ये एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ रिसर्च लगती है आप कितने दिन से कह रहे थे आप आई पे क्यों नहीं है आप लोगों ने क्लासेस बंद कर दी एंटायर हमें पंद्रह हमें दिन होगा जो जीएस होते हैं मैथ्स होते हैं we बवाल कैसे लाए तो वो इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी इसीलिए दिन से आपका कोई भी कंटेंट जो ये वाले सेशन होते हैं थ्योरी सेशन जो जीएस के चल रहे थे इंग्लिश के चल रहे थे इसीलिए नहीं हुए थे ठीक है चलिए सो so, मिलते हैं यार हम लोग साढ़े और आज बहुत कुछ है आज पता इतना कुछ है आज ये करंट अफेयर हुआ मंथली वाला साढ़े दस बजे इसका लॉन्च है पांच बजे करंट अफेयर्स वाला जो प्रोडक्ट है अपना उसका लॉन्च है एक बजे दो बजे मेंटोरशिप वालों की मीट है आज का पूरा दिन इतना जैम पैक्ड में है ना मेंटोरशिप में पांच बच्चे हैं आज उन पांच की पांच की जूम मीट है हमारा ऑफिस चकरा गया है इतना सारा चीजें है इतनी सारी चीजें हैं लेकिन बहुत अच्छी बात है यार मजा पता कभी डाउन क्यों नहीं फील होता है क्योंकि आपका साथ है बड़ा एनर्जेटिक से बड़ी पॉजिटिव फीलिंग रहती है चलिए थैंक यू सो मच खूब बढ़िया से करते रहिए मजे करिए और जिस तरीके से अप्रैल का हमारा पूरा करंट अफेयर्स हुआ है ना आपको पूरा याद हो गया ना एक क्लास में मैगजीन में भी देखिएगा बहुत मजा आएगी मैगजीन बहुत अच्छी मैगजीन बनी है बहुत मजा आएगी आपको मैगजीन में भी इसी तरीके से हम लोग पूरा जो अगला करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा ध्यान रखना डेली सुबह साढ़े से किया करो मंडे से सैटरडे होता है मजा आ जाएगा आपको आपको प्यार होने लगा करंट अफेयर से ये ये सेशन है वो हमारा वेडनेसडे को और सैटरडे को होगा ठीक है वो वेडनेसडे को और सैटरडे को होगा क्लियर थैंक यू बाय टाटा टेक केयर ऑल द बेस्ट